हेलो फ्रेंड्स, मैं इलाहाबाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का रिव्यू किया हूँ। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट बना रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर से मैं उसको थोड़ा सा रिव्यू ब्रीफ कर दे रहा हूँ। रिव्यू को मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म में तीन फॉर्म है। उस फॉर्म में आपको एक बायोमेट्रिक डिक्लेरेशन है, एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, एक नॉर्मल डिक्लेरेशन फॉर्म है उसमें करना है। उसके बाद आपको फ़ोटो खींचा जाएगा, उसके बाद आपका CBT 1, CBT 2, CBT 3 का बायोमेट्रिक चेक किया जा रहा है। उसके बाद आपसे एक सेट, इससे पहले मैंने सारे डिस्कस कर रखा है, इसके बाद आपसे दो सेट फोटोकॉपी मांगा गया था डॉक्यूमेंट्स का। तो आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं जी, वहाँ पर वो लोग एक ही सेट डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं और उसको आपको क्या करना है जी, वेरीफाई करना है। तो एक सेट डॉक्यूमेंट्स में जनरली वो सब क्या चेक कर रहे हैं लोग, तो वो लोग चेक कर रहे हैं 10th 12th ITI डिप्लोमा और BTEC का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। कुछ लड़कों के पास पासिंग सर्टिफिकेट था, मार्कशीट नहीं था, फिर भी उन्हें कहे कि नहीं मार्कशीट भी चाहिए और पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए जी। तो आप लोग दो दो फोटो कॉपी करा लीजिएगा सबका, और ITI डिप्लोमा BTEC का सेमेस्टर वाइज डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे, सेमेस्टर वाइज और फाइनल ईयर का भी डॉक्यूमेंट्स हो, क्योंकि फाइनल ईयर बाद में तो जब हायर दूसरे लेवल तीसरे लेवल पर जब चेक कर रहे थे तो फाइनल ईयर नहीं चेक कर रहे थे, लेकिन जब स्टार्टिंग लेवल पर चेक किए थे फर्स्ट टाइम में, तो वो लोग क्या कर रहे थे कि जैसे हमारा तीन लेयर चेक हो रहा था। फर्स्ट लेयर पे दो ऑफिसर थे, सेकंड लेयर पे एक ऑफिसर थे और थर्ड लेयर पे एक ऑफिसर थे। तो फर्स्ट लेयर पे जब चेक हो रहा था तो वहाँ पे वो लोग सभी चेक कर रहे थे। तो वहाँ पे 10th 12th का मार्कशीट का फोटोकॉपी वो ले रहे थे और ओरिजिनल हम लोग उनको दिखा रहे थे, तो वो लोग वेरीफाई कर रहे थे। उसमें नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ये सब ज़्यादा मैच करा रहे थे। उसके बाद स्कूल का नाम वगैरह जो है वो चेक कर रहे थे। फिर से ब्रांच कौन सा है, जैसे BTEC का, ITI का, डिप्लोमा का, ये सब चेक कर रहे थे। उसके बाद 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट चेक कर रहे थे जी। उसमें भी वो भी टिक मार रहे थे कि नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, क्योंकि उनके पास जो परफॉर्मा था उनमें वो टिक भी कर रहे थे उसके साथ साथ दूसरे लेवल पर। उसके बाद एक हमें फॉर्म मिला, फाइल मिला, उस फाइल में कुछ CBT 2 के और CBT 1 का जो हमने डिक्लेरेशन लिखा था उसका स्नैपशॉट था। उसी में वो लोग बोले कि जो हमारा डिक्लेरेशन फॉर्म मिला था, जनरल डिक्लेरेशन फॉर्म, उसमें एक CBT 2 का डिक्लेरेशन खुद लिखना था। वहीं पे जो लिखे थे हम लोग CBT 2 में, सेम टू सेम उसी का स्क्रीनशॉट था, और उसी को हमें क्या करना था, CBT 2 डिक्लेरेशन एक पैसेज था उसमें, उसी को सेम टू सेम लिखना था और रनिंग हैंड में लिखना है जी। आप अगर कैपिटल लेटर में लिखे हैं उस समय तो कैपिटल लेटर में लिखिएगा, अगर रनिंग हैंड में लिखे हैं तो रनिंग हैंड में ही लिखिएगा जी। उसके बाद एफिडेविट, तो हम लोग तो सभी जनरल कैटेगरी के थे, तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट किसी से नहीं मांगा गया, लेकिन एक लड़का था जिसने माइनॉरिटी कम्युनिटी मेंशन कर रखा था और EY से अप्लाई किया था, तो उसको माइनॉरिटी कम्युनिटी का सर्टिफिकेट मांगे और वो लड़का नहीं लाया था, तो उससे बोले थे कि 6 बजे से ला कर दे दो। मैं तो वहाँ 5:30 से निकल गया था जी, तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि उसका वो लाया है लड़का या नहीं लाया माइनॉरिटी कम्युनिटी का। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच करके लड़का था, तो उसको बोल रहे थे कि तुम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में लाइट ब्रांच में आओगे नहीं, हम लोग कैसे जानेंगे। तो वो लोग नोटिफिकेशन में पढ़ा रहे थे और उसको साइड में बैठा दिए थे और उसको शायद सबसे लास्ट में क्लियर किए हैं जी। मैं उससे पहले ही चला आया था तो मैं नहीं बता सकता इसके बारे में। उसके बाद हम लोग को मेडिकल मेमो के लिए अलग रूम में भेजा गया। यहाँ पर हम लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में तीन लेयर तक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा चुके हैं जी, सब कुछ सही है था। उसके बाद उन्होंने लिख दिया कि फिट फॉर मेडिकल मेमो, तो मेडिकल मेमो के वाले रूम में हम लोग गए, तो वहाँ पे हमें 24 रुपीज़ देना पड़ा, कैश दे रहे थे, उसके बाद वो रिसिप्ट कर रहे थे। उसके बाद आगे जा रहे थे तो हम लोगों को मेडिकल में भी कुछ फॉर्म भरना था, फॉर्म भर रहे थे, वहाँ पे फ़ोटो लोग क्या कर रहे थे, पिंच कर रहे थे, जो हमारा फ़ोटो वहाँ पे एट ए टाइम खींचा गया था, उनके द्वारा खींचा गया था, उसी फ़ोटो को पिंच कर रहे थे। उसके बाद दो मार्क्स, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ले रहे थे। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हो सकता है आपका कटा हो, मोल हो, मस्सा हो, ये सब चीज़ें वो लोग दो मेंशन कर रहे थे। उसके बाद वहीं पर हमें मेडिकल स्टैंडर्ड उसी में लिखा था, दो पेज था, शायद वो लोग अपने ही रख लिए और वो लोग शायद एक हॉस्पिटल को भेजेंगे और एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाले प्लेस पर रहेगा। हमें वो जमा करा लिया गया। उसके बाद हमें मेडिकल मेमो दे दिया गया। मेडिकल मेमो जो दिया गया, उस मेडिकल मेमो में हमें हॉस्पिटल मेंशन है। तो मैं बात करूँ तो सेकंड जो फर्स्ट हाफ था यानी मॉर्निंग शिफ्ट था, तो उन लोगों को दूर दिया जा रहा था मेडिकल हॉस्पिटल, जैसे मुरादाबाद, झांसी और
आगरा, और सेकंड शिफ्ट वाले जो थे उनको दे रहा था कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद। तो हम जैसा मैंने बताया था कि मैं थर्ड रूम में था यानी लास्ट में था, तो तीसरे वाले मतलब ग्रुप में था। तो फर्स्ट वाले ग्रुप को कानपुर, सेकंड वाले को लखनऊ, और थर्ड वाले को कहाँ भेज रहे हैं लोग, तो इलाहाबाद भेज रहे हैं। तो मेरा इलाहाबाद में ही मिल गया जी। और इलाहाबाद में दो वो लोग हॉस्पिटल का नाम लिख रहे हैं, सीएमएस सेंट्रल हॉस्पिटल और एमडी सेंट्रल हॉस्पिटल, रेलवे का ही है। तो दोनों एक ही पास ही है, बस शायद एमडी और सीएमएस दो जगह साथ में ही बैठते हैं लोग, बस बगल में।